गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ इज के लर्निंग टेलिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सादा सलवार। सादा सलवार हमने बनानी है तो सबसे पहले हमें लेना है इसका नाप। पूरी लंबाई 40 इंच, जीप 36 इंच और मोहरी 14 इंच, ये हमारा सलवार का नाप है। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें एक ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे हम लेंगे पूरी लंबाई 40 इंच हमारी तैयार। इसमें 2 इंच हमें प्लस करना है, 40 और 2 42 इंच। ओ भी लिया हमें 7 इंच पल्ले इसकी चौड़ाई, और ये लिया हमें 20 इंच। यहाँ पे लिखेंगे हम हिप का दूसरा हिस्सा प्लस 2 इंच या कपड़े के अर्ज के अनुसार। यहाँ लिखेंगे या अर्ज के अनुसार, अर्ज के अनुसार। अर्ज के अनुसार हिप का दूसरा हिस्सा प्लस 2 इंच करेंगे तो हम क्या होगा, हिप का दूसरा हिस्सा हमारा 18 36 का हाफ होगा, 18 और 2 20 इंच। या 20 इंच लेना हमें कपड़ा, या फिर हमारा अर्ज के अनुसार करेंगे इसको, हिप का दूसरा हिस्सा जमा 2 इंच। अगर ज्यादा कपड़ा है तो हम इसको ज्यादा ले लेंगे, नहीं तो हिप का दूसरा हिस्सा प्लस 2 इंच रहेगा। नीचे से हमने लेना है इसकी मोहरी। यहाँ ये 7 इंच के पल्ले लिए, फिर 1.5 इंच हमें यहाँ लेना है एक्स्ट्रा बाहर निकाल के। 1.5 इंच ले लिया हमने इसको, और 1.5 इंच हमें यहाँ से लेना है इधर से, इसको और इसको हमें मिलाना है ऐसे, इसको और इसको मिला दिया, दोनों को मिला दिया हमने। ये पल्ले हो गए हमारे 2, ये 2 कड़ी होगी और ये 2 अपनी कड़ी होगी, टोटल हमारी 4 कड़ी होगी। अब हमें इसका आसन लेना है। यहाँ से शुरू करके ऐसे हम इसका आसन लेंगे। आसन में कितना लेना है, आसन हमें इसका लेना है 14 इंच, यानी कि 14 इंच। 14 इंच आसन, 14 इंच यहाँ पे लिखेंगे हम 14 इंच, या फिर हिप का तीसरा हिस्सा 12 प्लस 2 14। यहाँ लिखेंगे हिप का तीसरा हिस्सा प्लस 2 12 और 2 14, टोटल हो गया 14 इंच। इसका नाम रख लेंगे बी सी, ये हो गया सी और डी। इसका आसन ये हो गया, और इसका आसन हमारा इधर से हो जाएगा 14 इंच। इसको ई एफ कर देंगे, ठीक है। इसमें हमें बेल्ट नहीं लगानी है एक तो, और हमें ये हमारी सीधी सिंपल सादा सलवार बनेगी। अब हमें इसकी थोड़ी लिखनी होगी। यहाँ से जैसे कि लिखा हमें ए ओ पूरी लंबाई, पूरी लंबाई हमने ली 40 प्लस में 2 इंच 42 इंच। ओ बी हो गया इसका पल्ले का दूसरा, इस पल्ले हो गए हमारे 7 इंच। बी सी लिया हिप का दूसरा हिस्सा प्लस में 2 इंच या कपड़े के अर्ज के अनुसार, कपड़े के अर्ज के अनुसार। सी डी लिया आसन की लंबाई, यहां लिखेंगे हम सी डी आसन की लंबाई, आसन की लंबाई हमारी होगी हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 2 इंच। हमें लेना है यहाँ पे हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 2 इंच इसके आसन की लंबाई। फिर लेना है हमें, इसको रख लेंगे हम आई और इसको रख देंगे जे, आई जे 1.5 इंच, आई से जे 1.5 इंच। ये हमें टोटल लेना है हमें 14 इंच। अगर हमें इसमें इसी में नेफा मोड़ना है तो इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि वो हमारे नेफे में चला जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा फिर ये 16 इंच। यानी कि इसकी कटिंग करेंगे तो 2 इंच नीचे से करेंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच लिया, आई से जे हमारा हो गया 1.5 इंच, और डी को डी जे को मिलाया, जे जे और डी को मिलाया। इसी तरह हमारा ये चौड़ाई होगी जैसे ऊपर थी, और इसको कर दिया हमने ई एफ, ई एफ भी हमारा हो गया ई एफ। यहाँ पे भी लिखेंगे हम हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 2 इंच। ये हमारी सादा सलवार थी। उम्मीद करती हूँ हमारे यूथ रिच के ई लर्निंग टेलरिंग प्रोग्राम में आपको सादा सलवार पसंद आई।